अलिजमा, अयान ना बिल्कुल निकम्मे नहीं है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अयान को इस तरह बोलो। छोड़ दे इसको इसके हाल पे। हाँ मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अलिजमा? ठीक हो? हाँ बेटा, बैठो ना। हाँ मैं बताया, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? बेटा तुम बैठो तो 2 मिनट। नहीं मैं बैठ नहीं सकती, ऑफिस से आधे घंटे की ब्रेक मिली है मुझे, मुझे वापस जाना है। पूरे ऑफिस का बोझ ऐसे तुम पे ही तो है। अम्मी बताएं क्या बात है, मैं जाऊँ फिर? बेटे अलिजमा ने उस दिन तुमसे बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल ये खुद बहुत ज्यादा अपसेट थी और उसने जो कहा इसे नहीं कहना चाहिए था। दोनों बहने हो, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई भी मैल है तो इसे माफ कर दो। मेरी तरफ से क्यों माफी मांग रही हैं आप बिला वजह? क्योंकि तुमने ज्यादती की है इसके साथ। ये तुम्हारी बहन है, तुमसे हसद कैसे कर सकती है? ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी, क्योंकि यासिर अयान जैसे निकम्मे शख्स के मुकाबले में हजार गुना बेहतर शख्स है। जलती है इस बात से। अलिजमा, अयान ना बिल्कुल निकम्मे नहीं है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अयान को इस तरह बोलो। छोड़ दे इसको इसके हाल पे, और अयान कितने अच्छे हैं इसको वक्त बताएगा। अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए बेस्ट बंदा चुना है। आप